इस भ्रमात्मक संसार से राग हटा पाना बहुत कठिन है। भ्रमात्मक संसार का स्वरूप यही तन, यही मन, यही स्वभाव, और फिर सामने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोग सामग्रियां, मान प्रतिष्ठा, जीने की आशा, सुख भोगने की लालसा, ये सब भ्रम। जब तक इस भ्रम में हमारी सत्यत्व बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, तब तक आप परमार्थ के शब्दों को, जो उसका भाव है, उसे नहीं समझ सकते। फिर परमार्थ का परम लक्ष्य, तत्वबोध या भगवान का साक्षात्कार, ये तो अत्यंत दुर्लभ बात है। ये बातों से नहीं होता है, ये बहुत बुद्धिमान होने से नहीं होता है, बुद्धि के लय से होता है। आप जितनी चेष्टा करते हैं बुद्धि से करते हैं, बुद्धि निर्णय करती है, तो बुद्धि के निर्णय करने की क्षमता प्रकृति में है, माया तक है, परमात्मा तक नहीं है। बुद्धि का उसमें तन्मय हो जाना, प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लीन हो जाना, तब उसका ज्ञान होता है। संसार में तन्मय होकर प्रभु का अनुभव करना असंभव, और प्रभु में तन्मय हुए बिना संसार से राग त्यागना असंभव। संसार से बिलग होकर प्रभु में तन्मय, तो प्रभु का ज्ञान आपको होगा। संसार में तन्मय तो प्रभु का ज्ञान ही नहीं होगा आपको। अब शरीराभिमान भोगों में सुख, मैं मेरा तय तेरा, और बुद्धि की धरा से जानना चाहते हो भगवान है कि नहीं है, या वो तत्व कैसा है, प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण पार्थिव वस्तुओं का होता है, सत्य वस्तु अनुभवगम्य है। अनुभवगम्य भजे जे संता। जब तक शरीर राग, भोगों में सुख बुद्धि, मैं मेरा तें तेरा, मान प्रतिष्ठा अपमान दुख निंदा, ये सब भ्रम जब तक हृदय में चल रहा है, तो इसी भ्रम में वो छुपा हुआ है। जैसे निर्मल जलाशय के समीप पहुंचे, ऊपर से काई जमा है हरी हरी, तो आपको लगा यहां जल नहीं है, पर बहुत मीठा निर्मल जल है। बस वो काई हटा पाओ, आप समझ पाओ कि काई हटाने से ही निर्मल जल का दर्शन और पान करने का सौभाग्य मिलेगा। जो ये नहीं समझ पाते, तो उनको लगता है यहां जल नहीं है। ऐसे ही ये जो भ्रमात्मक माया की काई लगी है, इसी में बड़ा ही आनंद समुद्र परमात्मा बैठा हुआ है, बिल्कुल इसी में समाया हुआ। और समाया क्या हुआ है, वही बना हुआ है। ये अविद्या की काई हट जाए, अभी एक मिनट में थोड़ी हट जाएगी। हां, आपकी अगर साधना परिपक्व है, कृपा पात्र हैं, अहम रहित हो गए हैं, तो एक मिनट में भी बोध हो जाएगा। जनक जी को अष्टावक्र जी ने कहा, घोड़े की रकाब पर पैर रखकर जितने में घोड़े में सवार होने में समय लगता है, उतने में ब्रह्मबोध करा दूंगा। क्यों? क्योंकि तैयार भूमि है जनक जी की, और परम ज्ञानी अष्टावक्र जी। बड़ा दुष्तर है इस संसार से पार होना, कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। जिस बुद्धि से तुम जानना चाहते हो, उस बुद्धि में क्षमता ही नहीं है। उस बुद्धि के लय से उसको जाना जाता है। मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, ये अविद्या है।
तन मन स्वभाव प्राण भोग विश्व पूरा का पूरा विस्मरण होके जो बचा वो है परमात्मा। करो पहले विस्मरण करो। अब विस्मरण करने की तो सामर्थ्य नहीं है, देख लो चाहे जितने प्रबल बुद्धिमान बनते हो या बलवान बनते हो, तुम्हारा बल और बुद्धि इसी में है कि तुम संसार और देह का विस्मरण करके दिखाओ। संसार और देह का विस्मरण करके दिखाओ तो जो बचेगा उसे कहते हैं परमात्मा। विस्मरण करो, अभी तो विस्मरण तुम प्रभु का कियो, स्मरण तुम्हारा शरीर संसार भोग रात दिन सोते जागते उठते बैठते सब जगह सर्वत्र केवल मैं मेरा तैं तेरा भोग वृत्ति देह भाव जानना चाहते हो परम तत्व को। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वाह देवा सरमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना पर फिर ये बात समझ में आती है, एकमात्र वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। ऐसे इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं अस्मिन् दुस्तर घोर संश्रति तरौ तापत्रेणानिशम् भ्रातस्त्वं क्लिशितोष्यतीव न मना प्राणोऽसि सन्धुक्षणम् नैकं साधनमस्ति शास्त्रमहदाख्यातं तवाख्यातुं प्यन्तश्चिन्ते तद्वरे प्रियतनुर्वृंदाटवी साखिनः। बहुत अद्भुत बात, प्यारे तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है कि तुम संसार समुद्र से तैर कर पार चले जाओ, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं लील जाएंगे तुमको, अज्ञान रूपी मगरमच्छ काम क्रोध लोभ मोह मद मत। बातें बनाना अलग बात है, बातें बनाना अलग बात है, बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, परे प्रवाह काल के कदापि कदापि शब्द है। काल पर विजय बातों से नहीं होती है। जब तक किसी भगवत प्रेमी महात्मा के आदेशानुसार साधना नहीं होती, उपासना नहीं होती, तब तक ये राग नष्ट नहीं होता। हमारे स्वरूप का बोध होने में सबसे बाधा जो है वो देहाभिमान है। तीन देह हैं, फिर वासना वृत्तियां समुद्र है, इसीलिए भाव समुद्र कहा गया है। भगवान तो सर्वत्र है। देखो वो वेन एक बहुत चक्रवर्ती राजा हुए हैं, श्रीमद् भागवत में कथा है। उसको ये भ्रम हो गया कोई भगवान नहीं, मैं ही। अब ये मैं शुद्ध बोध का मैं नहीं है, ये देहाभिमान का मैं है। अज्ञानियों से तो चल जाएगा, पर धूर्तता इतनी बढ़ गई उसकी कि वो महात्माओं को डांटने लगा कि जैसे पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की आराधना करे और पुरुष से प्यार करे वैसे ही तुम सब ऐसे शुरू हो गया उद्दंडता करना, क्योंकि अभिमान का कार्य है उद्दंडता करना। अब उस उद्दंडता से समाज को तो दुख हो ही रहा था, लेकिन महात्माओं को दुख होने लगा क्योंकि वो भगवान की निंदा करने लगा, कोई भगवान है ही नहीं, ऐसा उसके मन में अज्ञान छा गया। जब बड़े बड़े ऋषियों ने देखा कि ये तो राजा होकर जो प्रजा का पुत्रवत पालन करे वो तो विनाश की स्थिति पैदा कर रहा है, सबको दंड दे रहा है। अब राजा है तो उसके सामने ज्यादा करोगे काट देगा मार देगा दंड दे देगा जेल नाना प्रकार की प्रताड़। तो बड़े बड़े महात्मा गए और समझाया उसको हाथ जोड़कर, राजन ये जो आपको बल मिला है आपको पद मिला है
इसी भगवान के द्वारा ही दिया। तुम सब मिथ्यावादी हो, बड़ा कट वचन सुन। एक साथ सब संतन, ये नहीं कहा कि मर जा, एकदम आवेश आया, हुंकार मारा, तत्काल सिंहासन से गिरा, मर गया। अब उसे शरीर को व्यवस्थित रखा गया। फिर ऋषियों ने विचार किया, अगर राजा नहीं तो प्रजा सुरक्षित नहीं, क्या किया जाए। सब सभा बैठी हुई है, सबके बीच में भगवान आप ही संपूर्ण प्रजा का पालन करने वाले हो, इसलिए आप कृपा करके इसके शरीर से प्रकट होइए। तो दाहिनी भुजा के मंत्र उच्चारण करते हुए जीव भाव किया तो भगवान का प्रथु अवचार हुआ और बाई भुजा से भगवान की शक्ति अर्ची जी प्रकट। भगवान का अद्भुत अवतार मृत शरीर से प्रकट हुआ, शव से, वेन के शव से भगवान का प्रादुर्भाव है, कण कण में है। खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुआ, द्रौपदी के पुकारने पर वस्त्रावतार भगवान का प्रकट हुआ, समुद्र मंथन के समय कच्छपावतार भगवान का प्रकट हुआ। सहस्त्र बाहु धारण करके ऊपर से दबाए हुए हैं पर्वत, नीचे से कच्छप रूप से मोहिनी अवतार भगवान का, धनवंतरी अवतार, और जड़ चैतन्य संपूर्ण जगत के रूप में वही बना हुआ है। अब इतना विशुद्ध बोध, तुम मनमानी आहार गंदा करो, मनमानी व्यवहार करो, व्यभिचार करो, मानसिक शारीरिक धर्म विरुद्ध आचरण करो, जान लो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है। संपूर्ण गीता शास्त्र वेद ऋषि मुनि उसी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों से चले तो भगवान ने अपने आप को जना दिया, फिर भी वो जान नहीं पाते, सोई जाने भगवान ने अनुभव करा दिया। भगवान कह रहे बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्य, कैसे जाने। तो बोले जो आचार्य जन है, गुरुजन है, जो ब्रह्म ऋषि है, महापुरुष जन है, जाओ साष्टांग दंडवत करो, दैन्यता पूर्वक विनय पूर्वक उनसे प्रश्न करो, और वो जो साधना बताए वैसे आचरण करो, वैसी उपासना करो, तब तुम जान जाओगे, उनकी कृपा से जान जाओगे। तो अस्मिन दुस्तर घोर संसृति तरो तापत्रयेणानिशम, इस दुस्तर घोर संसार से पार हो जाओ, बहुत कठिन है पार पाना, बहुत कठिन है। तापत्रयेणानिशम, रात दिन संपूर्ण संसार तीन तापों से जल रहा है, दैहिक दैविक भौतिक सब ताप, उसको समझ में नहीं आ रहा। जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में सुख का अनुभव करते हुए वो ये नहीं जानता कि कोई अमृत कुंड भी है, इससे अलग कोई सुख, यही अविद्या है। भगवान के परम महाभागवत भक्त श्री प्रह्लाद जी ने सूकरी से कहा, भगवान वैकुंठनाथ आदेश किए हैं कि जो वैकुंठ चलना चाहे उसे लिवा लाओ, तो आप वैकुंठ चलेंगे। तो उसने कहा कि चल तो सकते, पर ये जो हम पा रहे हैं यहां, ये वहां मिलेगा? बोले ये तो वैकुंठ में नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं जाना। विष्ठा के लिए वैकुंठ का अनादर कर दिया। ऐसी हमारी बुद्धि है, ऐसी ही है। मलमूत्र के शरीर में राग करके भोगों में सुख बुद्धि, तो भगवान को भूल गए, है कि नहीं है। भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप तो पावन हृदय में प्रकाशित होता है। तुमने तो अपने हृदय को मलिन कर लिया है, कैसे तुम्हें समझ में आएगा। दर्पण में भी प्रतिबिंब तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है,
पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो दिखाई देगा। ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है, उसी मन में। बात समझ लो, ये ज्यादा पढ़ी लिखी बातें तभी समझ में आती जब उसका स्वाद लिया जाए। जब तक दर्पण में थोड़ा भी धुंधलापन है तो आपको अनुभव नहीं होगा आपके पार्थिव रूप का। ऐसे थोड़े भी मन में जब तक लोक लोकांतर की चाह रूपी मलिनता है तब तक भगवान का रूप दर्शन में नहीं आएगा। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में, जो हृदय में भगवान बैठे ना, तो वही झलकने लगते हैं। मन भगवान कृष्ण बन जाता है, मन भगवान शिव बन जाता है, मन भगवान हरि हो जाता है। जो आप भाव करोगे वही मन भगवदाकार हो गया, वही प्रभुमय हो गया। अब जहां से मन में वो प्रभु का स्वरूप, तो अब मन मन नहीं, साक्षात भगवान रह गए, प्रतिबिंब नहीं रह गया अब। तभी भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। अगर हम कह दें कि तुम्हारा मन भगवान है तो तुम अनुभव कर पाओगे कितना गंदा निर्णय हमारा अंतःकरण करता है, कितने गंदे भोगों में। क्या भगवान ऐसे हैं? दर्पण है पर ये मल जमा हो गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे ना। अब हमारी जितने मनुष्य जन्म की योग्यता है, क्षमता है, वो इस मल को साफ करने के लिए है। हम क्या कर रहे हैं? और ऊपर से लेप कर रहे हैं, व्यभिचार करके, मांस खाके, शराब पी के, चोरी करके, हिंसा करके, पूज्य जनों का अपमान करके, शास्त्र भगवान की निंदा करके, वैष्णव द्रोह करके, इतनी परत जमा कर ली गंदगी की। अब हम कहते हैं कि हमें दिखाओ, तो भाई प्राकृतिक वस्तु तो है नहीं, वो तो चिदानंद है, तो उसको चिदानंद नेत्र चाहिए प्राकृतिक। अब करो आप उपासना तो आपके मानस नेत्र खुले, फिर आप निरख नयन हरिवंश, निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। भगवान हैं, मिलते हैं, ये बहुत छोटी बात है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत, एक सेकंड के लिए कभी बिलग हो तब ये है ना है कि ये सब प्रश्न बातें। आओ तो आप हृदय की उस स्थिति में आओ जहां से दर्शन होते हैं। त्रपित नमानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कात बने। कैसे? ये कोई पार्थिव वस्तु प्रभु नहीं है कि तुम्हारे तर्क से, तुम्हारी बुद्धि के बल से वो जानने में आ जाए। नहीं, अस्मिन दुस्तर घोर संसति तरऊ, बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति। क्यों? क्योंकि भगवान का मिलना कठिन नहीं, संसार के राग का त्याग करना बड़ा कठिन है। जिन जिन के जीवन में परमानंद स्वरूप भगवान का अनुभव, लीला में प्रवेश, तत्व ज्ञान, आप उनकी जीवनी पढ़ के देखिए, जितना कुछ उनके चरणाश्रित जनों ने समझ पाया उतने ही लिख रहे हैं। वो क्या अंतःकरण में जो हो रहा है वो तो कोई देख ही नहीं सकता है। कैसा उनका वाह्य जीवन रहा, कैसी उनकी साधना रही, तब जाकर उनके हृदय में विराजमान जो गुप्त रूप से श्री भगवान उप्रकाशित हुए। भय प्रकट कृपाला, कहां? यहां, यहां प्रकट हुए नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज। अब आप मनमानी आचरण करने वाले मन से भगवत साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जब मन मना भो मत भक्ता माध्याजे माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे हैं। जब तक आप भगवत मन वाले नहीं बनेंगे तब तक प्रभु का, प्रभु के समीप रहते हुए भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए।
भगवान के अवतार के समय नहीं कर पाए, भगवान के सामने होने पर भी नहीं कर पाए, भगवान के साथ खाते पीते भी नहीं कर पाए। परिवार के भी जन तो थे, किसी ने सलाह ली कि ऐसा अपराध बन गया महर्षियों का, अब वो शाप हुआ है उसके विषय, किसी ने सलाह नहीं ली, सब मनमानी, तो क्या परिणाम? विनाश। जगत गुरु बैठे हुए हैं, अखिल सामर्थ्य युक्त है, अनंत शक्ति सामर्थ्यशाली, किसी ने सलाह नहीं ली, किसी ने नहीं पूछा प्रभु ऐसी गलती हो गई, ऐसा ऋषियों ने शाप दे दिया, अब इसका क्या उपाय हो सकता, किसी ने नहीं पूछा। समीप होने पर भी ऐसा नहीं कि आप जान, जब तक आपका हृदय भगवदा का, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में बड़ा अमृतमय शब्द यह है, तन्मयाहा, प्रभु में तन्मय, जैसे गोपीजन अपनी स्थिति बता रहे हैं, प्राण भये कान्हमय, कान भये प्राणमय, अब ही में न जान परे कान है कि प्राण है, ये अब वासना में तुम्हारा जीवन है, वासना में तुम्हारे प्राण है, तो यही समझ में नहीं आता कि वासना प्राण बन गई या प्राण वासना बन गई, और तुम जानने की इच्छा भी तो नहीं रखते भगवान की, केवल बुद्धिगत प्रश्न करने से श्री भगवान को नहीं जाना। अस्मिन दुस्तर घोर संस्कृति तरो, बहुत कठिन है इस संसार के राग को मिटाना। तापत्रेणानिशम भ्रातस त्वम क्लिशितोस्यतीव न मनाक प्रापन्नोषि संदुक्षणम। भाई तुम मेरी बात मान लो, भ्रातस त्वम क्लिशितोस्यतीव न मनाक प्राणोन, एक क्षण के लिए भी भैया तुम कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हो। भ्रातस त्वम, ये जो क्लेश हैं मन के तन के दैवी प्राकृतिक तुम्हारे कर्मों के, एक क्षण तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होने देंगे। न मना प्राणोषी संदुक्षणम, एक क्षण के लिए भी तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। नैकम साधनम अस्ति, क्योंकि तुम कोई भी भागवतिक साधन नहीं कर रहे हो, जिसे कोई कहता है कि जब कल्याण अपने ही करने से होता है, कई बार चर्चाएं हुई कि आपको अपना कल्याण करना होगा, तो फिर किसी की जरूरत क्या है? हाँ नहीं जरूरत है किसी की, पर कैसे करोगे अपना कल्याण, इस जानने की तो जरूरत है। अब जब जानना है तो प्रणिपातेन प्रश्न है, जाओ शरण में हो, चरण में पढ़ो, दैन्य बनो और जिज्ञासा प्रकट करो, फिर तुम्हारी जिज्ञासा वो जब पूर्ण करेंगे तो तुम फिर जान जाओगे। जो साधन बताएं, जो मार्ग बताएं, जो रहनी बताएं, करना आपको ही है, पर क्या करना है आपको पता है? नहीं पता, आप करके देखो। बोले हम राम राम कहेंगे हमारा सब काम बन जाएगा, ये तुम्हारे अंदर किसी के कहने से आया है, किसी के शब्द से आया है, सुना होगा पढ़ा होगा, वो गुरु ही है जिसके शब्द से हमें ज्ञान हुआ कि राम कृष्ण हरि बोलने से, नाम जपने से मंगल, उसी को मानो, आगे बढ़ो, निकल जाओगे। ऐसा अवहेलनात्मक अभिमान का भाव किसी की नहीं, नहीं, जब वास्तविक चलोगे ना तो कोई और है ही नहीं, कोई और है ही नहीं दूसरा, वही प्रभु ही प्रभु है। पर ये सब तभी जानने को मिलता है गुरु कृपा ही केवलम, जब सदगुरुदेव भगवान कृपा दृष्टि करते हैं तो उनकी दृष्टि के सारे हम वहां पहुंच जाते हैं। कहां? जहां हम हैं, जहां हम हैं वहीं पहुंच जाते हैं उनकी दृष्टि से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कह रहे नैकम साधनम अस्ति, वो तुम्हें साधना ही नहीं मिली जिससे तुम्हें आत्मबोध हो जाए, जिसे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। देखो शुभ कर्म और भगवत प्राप्ति की साधना में बड़ा अंतर है। प्रायः शुभ कर्म का अनुष्ठान कोई भाग्यशाली ही करता है, तीर्थयाटन करना, दान पुण्य करना, औषधालय आदि आदि आदि,
ये सब करने पर भी अहम, अगर अहम तो वो आपको कुछ लाभ देगा सांसारिक सुख लोक लोकांतर के, पर आपका संसार चक्र नहीं छूटेगा। आप कितना दान करेंगे, ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिनकी शास्त्र महिमा गाई है, तो क्या उनको तत्वबोध हो गया क्या, क्या वो भगवत प्रेमी बन गए क्या? शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का कर्ता लय हो जाए ये अलग बात है, ये मार्ग अलग हो गया। शुभ अशुभ दोनों को करने वाला कर्ता ही नहीं बचा, अब स्वरूप बोध होगा, अब भगवत प्रेम होगा। इसलिए नैकम साधन मस्ति श्रीपाद कर, वो साधन ही नहीं हो रही जिससे आपको बोध हो। ये कोई कोई कह रहे थे कि हमको तो 20 वर्ष हो गए साधन करते, 18 वर्ष हो गए साधन करते। साधन है चाह न करना, पकड़ो प्रारंभिक साधन पथ जिसे कहते हैं मार्ग, चाह ना करना, चाह मिटाना। भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम का मार्ग क्या है? कोई भी शुभ अशुभ चाह ना करना। चलना कैसे? निरंतर नाम जप करते हुए, भगवत आश्रित होकर, भगवत कथा सुनते हुए, भगवत चर्चा कर, ये यात्रा है। लेकिन चलना किस पे है? परमार्थ पथ क्या है? चाह ना करना, कामना मिटाना, चाह रहित होना, ये परमार्थ पथ पे चलना है। तो चले कैसे? कदम है नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवत सेवा करना, ये हमारी यात्रा चल रही है। अब शुभ कर्म हो रहे हैं और चाह की नवीन नवीन वृत्तियां उत्पन्न हो रही, तो पथिक कहां के हो? जगत के, परमार्थ के नहीं। नैकम साधनम अस्ति, इतना भी कदम नहीं रख पाए अभी परमार्थ पे, क्योंकि चाह रहित होना ये परमार्थ पथ है। अलग अलग मार्ग है ना, ये परमार्थ पथ है। चाह मिटाना, कामना रहित होना, इस मार्ग पे चलना है। सच्चाई से देखो कितने मिनट तुम कामना रहित रहते हो, कितने मिनट, हम दिन और महीना साल की बात नहीं करते, कितने मिनट तुम कामना रहित होते हो चेक करके देखो। पर निरीक्षण परीक्षण करने वाली बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। अचाह स्थिति कितने सेकंड रहती है, मिनट भी छोड़ो, अचाह स्थिति कितने सेकंड तुम्हारे हृदय में रहती है देखो, जांच के देखो। चाहते हो कि है वो तो है ही, तुम्हारे आंख मूंद लेने से सूर्य थोड़ी अंतर ध्यान हो जाएगा, तुम्हारे ना कहने से उस विश्वात्मा की सत्ता थोड़ी खत्म हो जाएगी। नैकम साधनम अस्ति, वो एक इतना भी साधन नहीं हो रहा भगवत प्राप्ति का। जब कसौटी पे कसेंगे ना तो पीतले निकलेगा सोना, उसमें रत्ती भी नहीं निकलेगा। तो हम लोग कसौटी में खरे उतरने लायक नहीं है, क्या करें? शरण का शरणागति। बहुत बड़े महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। शास्त्र मेदा ख्यातम तवाख्यातुम, इतने शास्त्र हैं तुम जान पाए कौन सा सिद्धांत कहां कैसे, इतने ज्ञानी हो तुम। दो चार बातें सुन ली सत्संग की तो हम समझते हैं कि बहुत ज्ञानी हो गए या पढ़ लिया। पढ़ने और सुनने से ज्ञानी नहीं होता, अनुभव से होता है। ज्ञान का लक्षण क्या है कि आपके अंदर ज्ञान हो रहा है। श्रद्धावान को सुनने और पढ़ने वाला ज्ञान होता है, और उस ज्ञान का लक्षण यह है कि वो जितेंद्री हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया, आपकी इंद्रियां आपके अधीन होने लगी हैं, आप विषयों से वैरागी हो रहे हैं अंतर से। बाहर से आप भले कोई पोशाक पहने, शरीर में डाल लो कोई पोशाक, उससे क्या अंतर है। अंदर से आप जितेंद्री हो रहे हैं, इंद्रियां जो विषय की तरफ भाग रही थी वो परमात्मा की तरफ हो रही, इसका मतलब आपको ज्ञान हो रहा है। अभी बोध नहीं हुआ है, अभी ज्ञान की जो आपने बातें सुनी थी अब आपका वो प्रभाव जागृत हो रहा है कि बहिर्मुख इंद्रियां अंतर्मुख हो रही, विषय की चाह रखने वाली इंद्रियां अब अचाह हो रही है,
वो अपने स्वरूप में अपने तत्व में लीन होने के लिए अंतर्मुख होती चली जा रही। जहां ऐसा हुआ अब ज्ञान असली प्रकट हुआ। तभी भगवान ने कहा पराम शांति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा, जो जाना उसके परायण हुआ तो क्या हुआ? बोले जितेंद्रिय सहितेंद्रिया, इंद्रियों का संयमन करके उन पर विजय प्राप्त कर ली। अब जो ज्ञान हुआ ज्ञानम लब्ध्वा, दोबारा कहा भगवान ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, अब हो गया परम शांत, कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब आप कैसे जानोगे इस हृदय को? ब्रह्माकार वृत्ति में स्वामी परमानंद जी महाराज गंगा किनारे की बात करें, चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म, शरीर की भी शुद्ध नहीं, ऐसी गाढ़ ब्रह्माकार वृत्ति, दिगंबर, शिष्य जन वस्त्र डाल दे शरीर में तो एक लंबा ऐसे श्री चरणों तक एक कुर्ता जैसा ऐसा छिलवा के ऐसे ऊपर लाल वस्त्र, क्योंकि शुद्ध ही नहीं क्या चला है, खड़े हैं तो घंटों खड़े हैं गंगा की धारा के पास, ऐसे बड़ी मतलब दर्शन मात्र से परमानंद प्रकट, उनका नाम ही परमानंद, दर्शन मात्र से महापुरुष। और जब उनके पास कोई आता ना, 10-20 लोग आए बैठे माताएं में, ए मैया तू कढ़ी बना ले? हाँ स्वामी जी, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं पाया, पकौड़ी भी उसमें डाल दे। हाँ स्वामी, जाओ भाई थोड़ी तो ले आओ, लगाओ बुद्धि लगाओ। गाय है तुम्हारे? हाँ स्वामी जी, रबड़ी थोड़ी ले आओ, बहुत दिन हो गए रबड़ी नहीं पाया, क्या बुद्धि लगाओगे? नहीं समझ। तभी स्वयं जाने जे देव जलाई, बीच सत्संग में पूज्य परमहंस श्री स्वामी रामकृष्ण जी देव जी महाराज विवेकानंद से थोड़े पकौड़े लाना, थोड़े पकौड़े ना, या ऐसा कभी कभी प्रार्थना करते हैं कि एकांत में भगवान, तो कहा कि जिस दिन ना मांगे तो जान लेना है शरीर छूट जाएगा, ये रजोगुण इसीलिए कि शरीर चल जाए, जिस दिन ना मांगे तो जान लेना उसी दिन। महापुरुषों की क्या स्थिति है, अपनी पार्थिव बुद्धि वाले जान सकते? कई बार ऐसा देखा गया, अब वो लाए बना के, स्वामी जी आपका, अच्छा बढ़िया बनी, बढ़िया बनी, घंटों से वो बना के सब लाए, हाँ बढ़िया बनी, किस भाव में कहां? जब तक वो स्थिति हमारी नहीं तो हम नहीं समझ सकते। शास्त्र महाराख्यातम, बहुत शास्त्र हैं, बड़ी महिमा है, कितना जो एक ट्रक लो और प्रेस में चले जाओ, शास्त्रों से भर जाएगा पूरा। बहुत हमारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं, कितना पढ़ोगे, कितना समझोगे? इतनी बड़ी बुद्धि है, उसमें सीप जैसी बुद्धि और समुद्र जैसा ज्ञान और अथाह अगाध कैसे समाएगा? तो क्या करें, फिर क्या करें? तो कह रहे हैं प्रयंतश्चिन्तये तद्वरे प्रियतनुर्वृन्दाटवी शाखिनः, साक्षात श्री हरि का शरीर है वृंदावन। प्रियतनु श्री हरि, प्रियतनु श्री हरि का प्यारा ये शरीर, मानो वृंदावन में रह रहे तो अपने हरि की गोद में रह रहे, साक्षात श्री हरि स्वरूप है ये वृंदावन, भगवत स्वरूप, जैसे नाम वैसे रूप वैसे लीला, और ये तीनों जहां विराजमान है वो धाम। श्रीपाद कह रहे हैं कि इस दुस्तर घोर संसार सागर से पार होना बड़ा कठिन, तीनों तापों से मुक्त होना बड़ा कठिन, दैहिक दैविक भौतिकता, कह रहे हैं बिंदु मात्र क्षण मात्र के लिए तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, चाहे जितने लोग भटक लो ऊपर से नीचे तक, तुम्हारे द्वारा वो साधन ही नहीं बना जिससे तत्व बोध हो, भगवत प्रेम हो, अचाह स्थिति। शास्त्र इतने महामहिम है, कितना सिद्धांत, उनकी बात तो तब समझी जाए जब उनके अनुसार चला जाए, बड़ा कठिन है, तो क्या करें? बोले श्रीधाम वृंदावन साक्षात भगवत स्वरूप है, आप आओ यहां के रसिकों के
अमृत में वचन सुनो, यहाँ की रज का सेवन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, हृदय से लगाओ, कुछ क्षण बैठकर यमुना जी के पुलिन में एकांत नाम जप करो, लीला गायन करो, बिहारी जू महाराज, राधा वल्लभ जू लाल, श्री राधा रमन लाल, इनके दर्शन करो, ये साक्षात प्रभु विराजमान है। ऐसा कभी भावना भी मत करना कि मूर्ति है, क्योंकि कोई मूर्ति थोड़ी हुई, ये तो प्रिया प्रीतम देखते देखते बिहारी जू बन गए। प्रिया प्रीतम देखते देखते शालिग्राम भगवान से प्रकट हुए राधा रमन जी के रूप में, प्रिया प्रीतम साक्षात राधा वल्लभ लाल रूप बेली प्यारी बनी, सो प्रीतम प्रेम तमाल। पर देखो मेरे सामने प्रिया प्रीतम देखने जाते हो, क्या आप देख पाते हो? क्योंकि अभी हमारा वो शीशा साफ नहीं हुआ, और जहां साफ होगा तो कोट मनमथहारी लाल जू महाराज साक्षात प्रिया जू के साथ विराजमान है, उसी स्वरूप में आपको युगल दर्शन होंगे। रूप बेली प्यारी वनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भये श्री राधा वल्लभ लाल। निश्चिंत तो हो जाओ, प्रयंतस चिंतय तद्धरे प्रियतनुर वृंदाटवी शाखिना। वृंदावन में ऐसी सामग्री विराजमान है, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। जब समय मिले वृंदावन धाम आओ, सत्संग सुनो, रज रानी का सेवन करो, प्रभु के दर्शन करो, परिक्रमा करो, नाम जप करो। जब संसार क्षेत्र में भी रहो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवत सेवा की भावना में रहो, नाम जप करते रहो, संसार से सहज मुक्त हो जाओगे, ये सब मल नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान अलग से प्राप्त नहीं करना, उसी में प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान के लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना, ये बिना प्रयास के ज्ञान हो जाएगा। जब आप प्रभु के आश्रित होकर नाम जप करोगे, दूसरों में भगवत भावना करोगे।